नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी टिक में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सारी चीज़ें ट्रिक से करवाता हूं, और ये आज लूसेंट का पार्ट मैंने लिया है इस वीडियो में, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख जो दिए हुए हैं ये टॉपिक, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और इन्हें आज हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये देखिए, जितना हो सके हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे और बाकी सेकंड पार्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला जो हम लोग का है वो है ईश्वर का निवास स्थान, जो कि किस शहर को कहा जाता है, प्रयाग को। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए जाहिर सी बात है कि ईश्वर का निवास कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोई मोह माया नहीं होगा, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, जहाँ पे त्याग होगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, हित चाहेगा, तो वो त्याग ही तो करता है। तो त्याग से याद रखिएगा, प्रयाग। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, ईश्वर कहाँ रहते हैं, जहाँ पे त्याग रहे, मोह माया रहे, तो प्रयाग। ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पाँच नदियों का भूमि। अब देखिए इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं कोरिलेशन की विधि से, कि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि पाँच लिखा हुआ है, और ये भी पंजाब से चालू है, तो पाँच से पाँच और पाँच से पंजाब, तो बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, और एग्ज़ाम में आसानी से याद रहेगा कि पाँच से पाँच नदियों का भूमि पाँच से चालू हो रहा है, पंजाब भी पाँच से। और वैसे भी देखिए पंजाब, पंजाब में भी तो पाँच ही रहता है उंगली, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सात टापुओं का नगर, जो कि कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा। अब देखिए सात टापुओं, टापू नहीं पढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे इसे, हम लोग पढ़ लेते हैं सात डाकुओं का नगर। टापू, डाकू, डाकू, टापू, कुछ खास अंतर नहीं आएगा, बस हमें याद रखना है ताकि एग्ज़ाम हॉल में आसानी से हमें ऑप्शन देखते रहे याद आ जाए। तो अब देखिए सात टापुओं का नगर, सात डाकुओं का नगर पढ़ते हैं इसे, तो जहाँ पे सात डाकू है इसका मतलब खतरा है उस जगह पे, और जब भी हम खतरे में रहते हैं तब सबसे पहले हमारे जुबान पे क्या आता है, आप सभी को पता है क्या आता है, माँ आता है कि नहीं, माँ। तो माँ से हो गया मुंबई। अब आप पूछेंगे कि पापा भी लिख सकते थे, नानी दादा भी लिख सकते थे, लेकिन ये जेन्युइन है जो हमारे जीवन में घटित होता है, हमेशा जब भी हम लोग खतरे में होते हैं तो सबसे पहले निकलता है हमारे मुँह से माँ, तो माँ से मुंबई। तो याद रखिएगा सात टापू का नगर मुंबई, मतलब सात डाकुओं का नगर मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुनकरों का शहर, जो कि कहा जाता है पानीपत को। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए बुनकरों में हम लोग ने वर्ड लेते हैं, हम लोग वर्ड ले लेते हैं बुलबुले, बुन बुले बुलबुले, एक ही है, न लगाएं या ल लगाएं एक ही बात है, तो बुनबुले, बुलबुलों का शहर। तो बुलबुले कहाँ उठते हैं, तो आप लोग सभी बोलेंगे कि बुलबुले उठते हैं पानी में, तो पानीपत। अब देखिए ये जो है आपका ये बुनकरों, तो बुनकरों को इसी वर्ड को हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने पकड़ लिया है बुन बुलबुले, तो बुलबुले से याद रखिएगा, बुलबुले कहाँ उगते हैं, उठते हैं तो पानी में, बुल बुले कहते हैं ना हम लोग। अब एक काम करिए, इस लॉ को अगर मैं न कर दूं तो कुछ ज़्यादा अंतर आएगा, बुन बुले, बुन करो, बुन बुले। ठीक है, तो बुन से आपको आसानी से याद आ जाएगा ये वर्ड, कि बुन है तो मतलब ल लगा दे, बुलबुले, तो बुलबुले का, बुलबुलों का शहर किसे कहा जाता है, तो बुलबुले उगते हैं पानी में, तो पानी से आ गया पानीपत। तो याद रहेगा पहला वर्ड बू ले लेंगे, बू से बन जाएगा हमारा बुलबुले, और बुलबुले उड़ता है पानी में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगला जो है हमारा वो है अंतरिक्ष का शहर, जो कि कहा जाता है बंगलुरु में। और फ्रेंड्स मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और सभी को याद है, ये आसानी से याद है सभी को कि अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बंगलुरु को, क्योंकि यहीं पर सब जो भी परीक्षण होता है अंतरिक्ष से रिलेटेड ज़्यादातर यहीं होता है, तो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, इसलिए इसे याद रहेगा सभी को, इसलिए मैं इसका कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायमंड हार्बर, जो कि कहा जाता है कोलकाता को। चलिए अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए डायमंड, अब डायमंड क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होता है कार्बन, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में,
कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किसे कहते हैं, डायमंड को, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, कोल बोलते हैं ना, कार्बन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोल। तो कोल से हो गया हमारा कोलकाता, और प्योरेस्ट फॉर्म क्या है कोल का, तो डायमंड। तो डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कोलकाता को। तो आसानी से आप लोगों को याद रहेगा। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर जो कि कहा जाता है बंगलुरु को। अब चलिए अब इसको कैसे याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान होता है हम लोग खरीद कर कहाँ रखते हैं, या तो घर में रखेंगे या तो बंगलों में रखेंगे, ठीक है। तो घर बंगलों से आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान कहाँ रहते हैं, तो बंगलों में। तो बंगलों से हो गया हमारा बंगलुरु, ठीक है। आसानी से याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद कर हम लोग कहाँ रखते हैं, तो बंगलों में। तो बंगलों से याद रह जाएगा हम लोग का बंगलुरु। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और मेरी ये ट्रिक आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि मैंने जो ये प्रयास किया है आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का इस चीज़ को, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है और आसानी से आप लोगों को याद हो रहा है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रवेश द्वार जो कि कहा जाता है मुंबई को। अब फिर इसे हम लोग मम्मी से ही रिलेट करेंगे। अब देखिए भारत का प्रवेश द्वार, अब जब भी हम लोग घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारा हाल चाल पूछने कौन आता है, तो अब फिर आप कहिएगा माँ आती है। तो माँ से मुंबई कैसे आती है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं से आते हैं बाहर से, तो सबसे पहले माँ पूछती है कि पानी पी लो, खाना खाया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, चलो खाना खा लो। तो माँ ही तो आते हैं, पापा तो नहीं आते हैं, तो इसलिए। और ऊपर वाले में भी हम लोग ने यहाँ पर याद किया था कि सात टापुओं मतलब सात डाकू हैं, और सबसे पहले खतरा में रहते तो क्या याद आता है, माई रे माँ। तो ये दोनों आप लोग को याद रहेगा कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, क्योंकि माँ ही सब कुछ पूछती है, माँ ही पूछती है कि खाना खाया कि नहीं, तो मुंबई। और सात टापुओं, खतरा में जब रहेंगे सात डाकुओं के बीच रहेंगे, तो सबसे पहले क्या याद आएगा हमें, माँ, तो मुंबई। बहुत आसानी से याद रहेगा। और दोस्तों एक काम करिएगा, आप लोग को आसानी से याद तो हो ही रहा होगा, फिर भी आप लोग इसको एक बार रोक के खुद से एक बार देखिएगा, दो तीन बार। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, और ये आपको याद हो चुका है आपको भी नहीं पता, आप लोग एक बार रिवाइज़ करिएगा, आप लोग को ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व का वेनिस जो कि कहा जाता है कोची को। अब चलिए इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए पूर्व का वेनिस, वेनिस को अगर हम लोग इंग्लिश में वेन भी बोलते हैं ना, वेनिस वेन अंतर नहीं है, और वेन का मतलब क्या होता है, नस होता है कि नहीं होता है। और हमारे हिंदी वर्ड में भी यहाँ पे भी देखिए कि इस जगह पे भी हमारा नस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नस लिखा हुआ है ना, नस, अगर नी नहीं पढ़े नस पढ़े तो आसानी से याद रह जाएगा नस। तो वेन इंग्लिश में भी बोलते हैं वेनिस, चलिए हिंदी से ही इसको याद करते हैं, इंग्लिश में आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नस, अब नस को कैसे रिलेट करेंगे ताकि कोची हो जाए। अब देखिए नस को कोई अगर चीर दे तो आदमी क्या होगा, आदमी तो मर ही जाएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा कि नस को, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कि नस को अगर कोई चीर दे, मतलब कोई चीर दे, नस को कोई चीर दे तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। तो वेनिस से बना नस, और नस को कोई चीर दे तो कोची, कोई चीर दे तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। तो आसानी से याद रहेगा कि नस को कोई चीर दे तो आदमी मर जाएगा। तो आसानी से आपको याद रहेगा कि पूर्व का वेनिस, वेनिस से बना हमारा नस, वेन बोलिए, इंग्लिश वर्ड भी आप रिलेट कर सकते हैं, वेन लिखा ही हुआ है आगे, वेनिस वेन, या तो वेन बोलिए या तो नस बोलिए। तो नस को कोई अगर चीर दे तो कोई चीर से बन गया हमारा कोची, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का पिट्सबर्ग जो कि कहा जाता है जमशेदपुर को। अब इसको कैसे कोरिलेट करें कि भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को ही कहा जाता है। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है आप सभी को पता है, आप लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी को आपको पता है कि साइंस में आप लोग ने पढ़ा होगा कि सोना जो होता है, सोना हमेशा जमे अवस्था में, मतलब जमे अवस्था में रहता है। सभी को पता है कि जमा हुआ अवस्था में कौन रहता है, सोना। और सोना को ही हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, जाहिर सी बात है सोना को पीटते हैं। आप लोग ने साइंस में पढ़ा होगा कि पीट पीट कर सोना बनाया जाता है, पीट पीट कर चांदी को, पीट पीट कर बर्तन बनाया जाता है, ठीक है।
और सोने को पीट पीट कर गहना बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पीट पीट कर मतलब पिट्सबर्ग, पीट पीट कर, तो पीट पीट कर बन जाएगा पिट्सबर्ग। और पीटा किसे जाता है, तो जमा अवस्था में रहता है कौन सा, तो सोना रहता है जमा अवस्था में, तो जमशेदपुर याद रहेगा हमें। पीट पीट कर, पीट पीट कर सोने को क्या बनाया गया, गहना बनाया गया। तो पीट से याद रखिएगा पिट्सबर्ग, और जमे हुए अवस्था से सोने से याद रखिएगा जमे अवस्था से जमशेदपुर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जो कि कहा जाता है अहमदाबाद। अब देखिए इसको भी बड़ा आसानी से हम लोग याद रखेंगे कोरिलेशन की विधि से, और बहुत आसानी से आपको याद करवाऊंगा ये मैं। देखिए अब क्या है, मैनचेस्टर, ऐसा लग रहा है कि बोला जा रहा है कि मैन का चेस्ट, बोला ना मैनचेस्टर मैन का चेस्ट, तो हाँ, तो मैन का चेस्ट क्या हो गया, तो मैन का चेस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैन का चेस्ट हम दाब सकते हैं। देखिए हम दाब सकते हैं, देख रहे हैं बीच का वर्ड अगर पढ़ेंगे तो ये कैसा आ रहा है फील, मैन का चेस्ट हम दाब सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अ लगा दूँ तो ये हो गया अहमदाबाद, हो गया ना अहमदाबाद। तो अब मैंने क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का मैनचेस्टर। अब भारत का मैनचेस्टर, तो मैंने उसे क्या किया, मैंने बना दिया कि मैन का चेस्ट, मैन का चेस्ट आप तो जानते हैं सीना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैन का चेस्ट दबाया जा सकता है, मैन का चेस्ट। मैं ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपको याद दिलाएगा, एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठिएगा तो एक एक वर्ड आपको कोरिलेशन के विधि से ऑप्शन देख कर आप लोग को याद दिलाएगा कि मैंने कैसे आपको कोरिलेट करवाया था। तो मैंने यहाँ पे कहा भारत का चेस्ट दाब दाब कर, भारत का जो चेस्ट, ये मैन का चेस्ट यहाँ पे है ना, मैन चेस्ट, तो मैन का चेस्ट हम लोग दाब सकते हैं, हम ह से हो गया, हम दाब सकते हैं, तो अहमदाबाद हम दाब, अहमदाबाद हम दाब सकते हैं। तो आसानी से याद रहेगा आप लोगों को कि मैन का चेस्ट हम लोग दाब सकते हैं, बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो है मसालों का बगीचा, और ये भी दोस्तों इसका भी ट्रिक बनाना जैसे लगेगा कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो केरल को ही कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादक होता है, ठीक है। तो ये भी सभी को याद है, और इसका मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसका ट्रिक आप लोग तो समझ ही सकते हैं, हर एक के जुबान पे है ये चीज़ कि मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, क्योंकि ये बोलते ही मसालों का बगीचा वर्ड पे अपने आप डायरेक्टली आ जाता है केरल। तो इसका तो ट्रिक बनाना जैसे, ठीक है आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत आसान है, तो इसलिए इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए गुलाबी नगर, इसका भी मैं कोई ट्रिक नहीं बनाऊँगा, क्योंकि गुलाबी को इंग्लिश में कहते हैं पिंक सिटी, और पिंक सिटी ये भी वर्ड बोलने, ये भी सेंटेंस बोलने से ही हमें पहले ही याद आ जाता है जयपुर। तो गुलाबी नगर पिंक सिटी, जयपुर जयपुर गुलाबी नगर, मसालों का बगीचा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वीन ऑफ डेक्कन, हमारा है क्वीन ऑफ डेक्कन, और यहाँ पे है पुणे। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब देखिए क्वीन ऑफ डेक्कन, हम लोग इसका वर्ड लेते हैं डेक्कन, डेक्कन को हम लोग बना देते हैं ढक्कन, और पुणे को बना देते हैं पेन। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कैसे कोरिलेट अप करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो मेन कीवर्ड तो आप लोग को बता ही दिया। अब है यहाँ पे क्वीन ऑफ डेक्कन, तो मैंने उसको क्या पढ़ा, ढक्कन, और यहाँ पे पुणे को क्या पढ़ा, पेन, और पेन में ही क्या रहता है हमारा, ढक्कन रहता है। तो ये भी बिल्कुल बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो गया कि क्वीन ऑफ डेक्कन से बना ढक्कन और पुणे से बना पेन, तो पेन में ढक्कन रहता है, तो पुणे ढक्कन से डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है, पुणे को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा बच गया दो पॉइंट, भारत का हॉलीवुड और झीलों का नगर, भारत का हॉलीवुड जो कि मुंबई को कहा जाता है, और झीलों का नगर जो कि श्रीनगर को कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों कि ये जो लास्ट वाला है झीलों का नगर, ये वाला झीलों का नगर, और ये है श्रीनगर, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये लास्ट वाला आप लोग देख ही सकते हैं श्रीनगर, झीलों का नगर, तो झीलों का नगर श्रीनगर ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं इसका भी कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, झीलों का नगर श्रीनगर, श्रीनगर झीलों का नगर, ठीक है, तो इसका भी मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ। तो अब चलिए ऊपर वाला देख लेते हैं, भारत का हॉलीवुड,
और जो कि बोला जाता है मुंबई को। अब इसको भी बहुत आसानी से हम लोग याद रखेंगे। ये देखिए भारत का हॉलीवुड, हॉली से हम लोग क्या बना लेंगे, होली, ठीक है, आसानी से, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। हाली होली, हाली होली, हॉलीवुड, हॉलीवुड, होली पढ़ते हैं ना हॉलीवुड, तो होली। अब होली जब कोई खेलता है तो क्या करता है, उसमें सब रंग लगाते हैं, और रंग तो पूरा पाँव वाँव शरीर हाथ में तो लगता ही है, और कहाँ लगता है, मुंह में भी पोत देते हैं, मुंह में भी लगा दिया जाता है। तो मुंह से मुंबई, भारत का हॉलीवुड, होली से बना होली, और होली से होली में रंग खेलते हैं, तो रंग से बना हमारा मुंह में, मतलब मुंह में भी लगा देता है रंग, तो मुंबई, मुंबई आसानी से याद रखेगा, रखिएगा और याद भी रहेगा, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रहेगा आसानी से, बहुत आसानी से। चलिए एक बार अगर रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए पहला देख लेते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, सॉरी दोस्तों, पहला ईश्वर का निवास स्थान जो कि बोला जाता है प्रयाग को, कैसे याद रखिए, कैसे याद करवाया था मैंने कि निवास, ईश्वर का निवास कहाँ होता है, जहाँ पे कोई मोह माया नहीं होता है, जब त्याग करते हैं, बहुत कुछ त्याग करते हैं, वहीं पे तो ईश्वर का निवास होता है, तो त्याग से हो गया प्रयाग, और ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा पांच नदियों की भूमि, जो कि मैंने कोरिलेट करवा दिया, पाँच से पाँच, पाँच से पंजाब, तो ये भी याद रहेगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा। फिर है सात टापुओं का नगर, तो सात टापुओं को हम लोग ने क्या करवा दिया था कि सात डाकुओं, और जब भी हम लोग खतरा में रहते हैं, अब सात सात डाकू के बीच में रहेंगे, तो सबसे पहले क्या मुँह में आएगा, तो अब देखिए मुँह से भी मुंबई बन जा रहा है, मुँह में आएगा, और माँ से भी मुंबई बन जा रहा है, तो ये भी याद रहेगा, बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है हमारा बुनकरों का शहर, जो कि कहा जाता है पानीपत को। अब बुनकरों से हम लोग ने क्या बनाया था, बुलबुले, बुनबुले, तो बुलबुले कहाँ उगते हैं, तो पानीपत में, तो बुनकरों, बुन बुल करो, एक ही वर्ड है, बुनकरों का शहर कहाँ कहा जाता है, पानी में, क्योंकि पानी में उगते हैं बुलबुले। अब नेक्स्ट है अंतरिक्ष का शहर, जो कि कहा जाता है बंगलुरु को, सभी को याद है, इसलिए मैंने नहीं करवाया था इसका ट्रिक। फिर है डायमंड, अब डायमंड हार्बर, अब डायमंड का मैंने बताया था कि कोयला का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, डायमंड है, जो कि हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, तो कोयला को इंग्लिश में बोलते हैं कोल, तो ये देखिए कोलकाता है, और कोल का प्योरेस्ट फॉर्म है डायमंड, तो डायमंड हार्बर। अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर जो कि है बेंगलुरु में। अब इसका मैंने कैसे याद करवाया था, इलेक्ट्रॉनिक नगर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेते हैं वो कहाँ रखते हैं, या तो घर में या तो बंगलों में, तो ये भी याद हो गया, बंगलुरु। फिर है भारत का प्रवेश द्वार, जो कि है मुंबई में। अब प्रवेश द्वार से मैंने क्या याद रखा, जब भी हम लोग द्वार में प्रवेश करते हैं, अपने घर के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले कौन आती है, माँ आती है पूछने की, खाना खाया, पानी पिया, तो मुंबई, माँ से बन गया मुंबई। फिर है पूर्व का वेनिस, वेनिस से मैंने क्या था, नस, वेनस या वेन, इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, दोनों एक ही है, तो नस को अगर कोई चीर दे तो आदमी क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो कोची से, को चीर दे तो मतलब हो गया कोची, अब वेनस से हो गया पूर्व का वेनस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत का पिट्सबर्ग, जो कि है जमशेदपुर, और मैंने आपको बताया था कि जमा हुआ अवस्था में कौन रहता है, सोना, सोना किस अवस्था में रहता है, जमशेदपुर, और सोना को पीट पीट कर ही हम लोग क्या बनाते हैं, तो गहना बनाते हैं, तो पिट्सबर्ग, पीट पीट कर, पिट्सबर्ग, ठीक है। और किसको पीटते हैं, सोना को, तो सोना किस अवस्था में रहता है, तो जमे हुए अवस्था में, तो जमशेदपुर। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, मैन का चेस्ट, क्या कर सकते हैं हम लोग, दाब सकते हैं, तो अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। फिर है मसालों का बगीचा, ये भी बहुत जन को याद है, इसलिए मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया था। फिर है गुलाबी नगर, पिंक सिटी, ये भी जयपुर को कहा जाता है, सभी को याद है। फिर है क्वीन ऑफ डेक्कन, डेक्कन को हम लोग ने बना दिया था ढक्कन, और पुणे को बना दिया था पेन, तो डेक्कन पेन, ढक्कन पेन का ही होता है डेक्कन पुणे। फिर है भारत का हॉलीवुड, जो कि है मुंबई में, हॉलीवुड से हम लोगों ने बना दिया था होली, और होली मुंह में भी लगा देता है सब, तो मुंबई, ये भी याद रहेगा। और झीलों का नगर, तो श्रीनगर को कहा ही जाता है, तो ये बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, और प्लीज़ अपना कमेंट जरूर रखें कि कैसा लगा ये ट्रिक। और हाँ, नीचे जो रह गया था वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, ये भी वही ट्रिक से करवाऊँगा। और यहाँ ये लूसेंट का पूरा जीके है, और इसके आगे भी जो बच जाएगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने रख दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अलविदा।